सिद्धार्थगंज महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार हिमांशु धानी ने 484 मत प्राप्त कर अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। उपाध्यक्ष पद में अंकित गोयल ने 482 मत प्राप्त कर जीत हासिल की है। जो मैं ये सचिव पद जीता हूँ, इसका श्रेय सबसे पहले तो विकास यादव छात्र संघ के जो कला संघ के प्रतिनिधि रह चुके हैं उनको देना चाहता हूँ। बाकी सभी छात्र छात्राओं को इसका श्रेय देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी स्कूल में बीएससी बीकॉम आईआर था, जो मेरे साथी हिमांशु अध्यक्ष बने अभी, उनसे मैं चाहता हूँ कि वो हमारे कॉलेज में बुक्स और अध्यापकों की पूर्ति करें। बाकी वहाँ बहुत सभी छात्र छात्राओं का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया। अमित कुमार के द्वारा जो छात्र छात्राओं के बीच में हमने जो बातें रखी थी कि कॉलेज में हम काम कराएंगे, तथा उन छात्र छात्राओं को जो बहुत परेशान होती है, हमारे यहाँ बहुत छात्र छात्राओं को काफ़ी प्रकार की समस्या होती है, उनके लिए हम हित में काम। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के बहरमपुर गांव में चाचा भतीजे के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर रिश्ते में लगने वाले चाचा ने अपनी ही नाबालिग भतीजे के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है। ये घटना एक सप्ताह पूर्व की है, जब 14 वर्षीय नाबालिग भतीजी सुबह शौच के लिए उठी थी कि तभी चाचा अमन उसको पकड़कर जंगल की तरफ उठाकर ले गया और उसका जबरन रेप किया। परिवार का चाचा लगता है, क्या नाम है उसका? पकड़ा गया नहीं? बेटी कहाँ गई थी? बेटी कैसे, क्या हुआ घटना, कैसे हिसाब करने का? फिर जबरदस्ती उठा लेगी? फिर कैसे पता चला आपको? तालाब में पड़ी। अच्छा, तो आप पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? अभी पकड़ गया। बेटी कितनी उम्र है? 14 साल। 14 पढ़ने जाती है? तजय थाना क्षेत्र के बहरापुर में 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना संज्ञान में आई, सर्च किया है। ये थरियाव थाना क्षेत्र में बहरामपुर गांव पड़ता है, जहां का ये प्रकरण है। वहां पर पिता ने ये प्रार्थना पत्र दिया है कि उसकी पुत्री के साथ उसी के गांव के अमन नाम के एक युवक ने दुष्कर्म किया है, जिस संबंध में थरियाव थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। और पीड़िता की पुत्री का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। मेडिकल परीक्षण के बाद पीड़िता के पुत्री का पुलिस के समक्ष और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराने की कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस ने इस प्रकरण में तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त अमन को गिरफ्तार कर लिया है। साक्षी संकलित किए जा रहे हैं और शीघ्र ही इस मामले में आरोप पत्र प्रेषित किए जाएंगे। पेशाब करने गए थे सर, पेशाब करने के बाद उसको पकड़ के मुंह बंद कर लिया। कोई 3 बज रहा देखा तो देखा नहीं। 3 बजे दिन में या रात में? सुबह के पास, सुबह पास। तो जब वो हम दे देगा तो नहीं मिले, तो ये अपना भागने लगे पर घर पूरा छोड़ के। हमने कहा लड़की नहीं मिली, हम बहुत ठगना तो ढूंढे हैं सर, ढूंढने गए तो नहीं मिली। तो जब ढूंढने का तो उसका हाथ पैर बंद था, बंधे थे, मुँह में धातु की दवा दी, उसको मुँह में कपड़ा से बांध दी, दिया होती धातु के गोल वाला, उसको पत्थर से खोल कर उसको मुँह में बंद किए थे। बांध के जो हमारा जो चाचा गया था, चट्टी गया था तालाब के पास, उसको चाकू दिखाकर उसको कहे थे मार डालने के, बताने में भाग गया। भागने के बाद हम भैया परदेश में रहते थे, दूसरे का मामा से उनको भले ही मामा से घर आ गए, हमका दर्द घर में भी हो लेंगे अपना भी चले जाएंगे समाज तक। तो इतवार को कैंड किया बिटिया है जिसने घटना की है? तो अमन कौन है? ये चाचा लगता है, बेटी का चाचा। हाँ, हमारी लड़की चाचा लगता है। बिटिया कई साल की होगी? ये कम से कम अरे वो 13-14 साल की होगी। थाने में शिकायत की? हाँ सर, थाने में शिकायत की और रिपोर्ट वपोर्ट सब दिए थे। तो कह जाइए करते हैं कि जब से 3-8 दिन हो रहा है, 2 तारीख की बात है, तो कोई सवाल नहीं कि कल बड़ी मुश्किल में हमको कागज पत्र दिया।
कल FIR की नकल मिली। मेरठ के यूनिक कार स्कैनर्स के मालिक व एक कॉलेज के मालिक राम रिचपाल सिंह तोमर के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी 8 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। 4 साल पहले उसको गर्भपात कराने का भी प्रयास किया जा चुका है। युवती का कहना है कि उसने इंसाफ पाने के लिए कार सर्विस सेंटर स्वामी की ऑडियो वीडियो और व्हाट्सएप चैट वायरल कर दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाम है आपका? स्वाति। स्वाति जी, क्या पूरा मामला हुआ, क्या शुरू से घटनाक्रम बताएं? नहीं, मामला ये था कि मैं आईटी कॉलेज में जॉब मांगने गई थी, तो इन्होंने मुझे एज अ रिसेप्शनिस्ट रखा था अपने यहाँ पर। जी। इन्होंने अच्छी खासी सैलरी भी दी। दूसरे तीसरे दिन मेरी जॉब ज्वाइन होने के बाद इन्होंने मुझसे कहा कि हमें कॉलेज के काम से तेज गड़ी छोड़ा पे जाना है और मैडम आप मेरे साथ चलोगी। और भी टीचर्स थी जो जाती थी, पर मुझे नहीं पता था क्यों जाती थी। तो ये वहीं पे एक, मैं नहीं जानती, एक ऑफिस टाइप था ये, वहाँ पे मुझे लेके गए। शायद वो प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था, 2011 की बात है ये। तो वहाँ पे अंदर, उस ऑफिस के अंदर एक रूम था, वहाँ पे RPS तोमर ने मुझे ले जाके पिस्टल दिखाई। और पिस्टल दिखाने के बाद उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करने की वो की, काफ़ी मतलब बदतमीजी की। और उसी दिन उन्होंने मेरी एक वीडियो बनाई, जो मुझे पता था कि ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके पास हथियार थे और वो बहुत बदतमीजी मेरे साथ कर रहे थे। तो फिर वो वीडियो उन्होंने अपने पास रखी। और फिर उसके बाद 2012 में मेरी शादी हो गई, तो जहाँ पे मेरी शादी हुई थी वहाँ पे वो वीडियो इन्होंने, पता नहीं, मुझे नहीं पता इन्होंने मेरे हस्बैंड का नंबर कैसे निकाला। मेरे हस्बैंड से जाके ये मिले, उन्हें मेरी वीडियो दिखाई कि ये लड़की जिस टाइप की है। वहाँ से मेरा डिवोर्स कराया और डिवोर्स कराने के बाद में मैं फिर यहाँ पे आई। फिर मैं जॉब वॉब करने लगी तो ये फिर मुझे धमकियाँ देने लगे कि मेरे पास तुम्हारी वीडियो है, मैं इसे वायरल करूँगा, नहीं तो मेरे कॉन्टैक्ट में तुम्हें रहना पड़ेगा। तो उसी डर से मैं इनसे डरती रही हमेशा कि मेरी बेइज्जती ना हो, मेरे घर वालों की बेइज्जती ना हो। तो 8 साल से मेरे साथ सब कुछ करते आ रहे हैं। फिर 2012 में मैं, इन्होंने अपनी कोई, मतलब मेरे जो ससुर थे वो इनके जानने वाले थे, उनके बेटे से इन्होंने मेरी शादी कराई। शादी कराने के बाद में अपने यहाँ उन्होंने जॉब पे भी रखा मेरे हस्बैंड को। फिर उन्होंने यहाँ से जॉब वॉब छोड़ के वो गांव में अपना काम करने लगे जहाँ पे मेरे ससुराल है। फिर उसके बाद लगातार RPS तोमर मेरे घर आता रहा और मेरे साथ सब कुछ करता रहा। फिर उसके बाद में मेरे, मतलब मैं प्रेगनेंट हुई तो एक बेटे को जन्म दिया मैंने। उसके बाद से वो यही सब कुछ मेरे साथ लगातार कर ही रहा है। और अब तो मुझे और मेरे बेटे को हमेशा जान से मारने की धमकी देता है कि अगर किसी को बताओगी तो जान से मार देता है। लेकिन अभी रक्षाबंधन वाले दिन वो मेरे घर आए और मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड अपनी बहनों से राखी बंधवाने गए हुए थे। तो वो मेरे घर आए तो उन्होंने मेरे पैर पर पिस्टल की बट मारी और उन्हें जो भी मेरे साथ। सर, एक महिला ने के वीडियो वायरल हो रखे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, यूनिक कार गैराज के मालिक हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है, क्या पूरा मामला है सर, अब तक जांच में क्या आया उसमें? ये दो लोग आपस में हैं, एक तोमर करके हैं और एक महिला है, एक दूसरे पर आपस में प्रत्यारोप एक दूसरे के लोगों के हैं कुछ आरोप, उसके जाँच सिविल लाइन्स को दे दी गई है और दोनों की तरफ से एक ने पहले मुकदमा पंजीकृत कराया था। महिला की भी पूरी बात को संज्ञान में लेते हुए सिविल लाइन्स को जो जांच दी गई थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर FIR पंजीकृत कराई गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, विधिक प्रक्रिया जो होगी उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, पहले एक तरफ से 50 लाख रुपए की रंगदानी का आरोप था, फिर दूसरी तरफ रेप का आरोप लगाया, इन दोनों आपको मैंने पहले बता दिया कि इसकी जाँच राष्ट्रपति अधिकारी कर रहे हैं, मुकदमा दोनों पंजीकृत है और उसकी विवेचना चल रही है, साक्ष्यों के आधार पर विवेचना जो सही होगा कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू। इंटरनेशनल मुकाबलों में कई बार मेडल जीतने वाले दिव्यांग ओलंपिक खिलाड़ी सचिन चौधरी सरकार की उपेक्षा से मजबूर होकर आज मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपने सारे मेडल लौटाने के लिए पहुंचा है। सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए खिलाड़ी धरने पर बैठ गया। उसका कहना है कि उसने भारत का नाम कई बार वेट लिफ्टिंग में रोशन किया है लेकिन सरकार ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे आहत होकर वो आज इन तमाम मेडलों को सरकार को लौटाकर धरने पर बैठ गया है। सचिन, किस लिए आप धरने पर बैठे और ये भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या नाइंसाफी आपको लगता हुई है? सर, मैं पैरा खिलाड़ी हूँ, सचिन चौधरी नाम है मेरा, मैं पैरा ओलंपियन हूँ और
चार कॉमनवेल्थ गेम खेल के, 11 एशियन गेम्स 3 खेल के, 10 बार का नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, 11 अंतर्राष्ट्रीय पदक है, इंक्लूडिंग मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल भी है। पर उसके बावजूद भी सर हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर यूपी सरकार से, ना ही कोई हमें अवार्ड है, ना कोई रिवार्ड है, यहाँ तक कि हमें कोई नियुक्ति भी नहीं है। मुझे आश्वासन दिया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल के बाद कि आश्वासन की नीति में भी है, यूपी सरकार की नीति में भी है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जीतेगा पदक या एशियन गेम्स में पदक जीतेगा उसे तुरंत नियुक्ति दी जाएगी। आज तक मुझे कोई नियुक्ति नहीं दी गई और साथ साथ ना ही यहाँ कोई पैरा स्पोर्ट्स पॉलिसी फाउंड की गई आज तक, जबकि 2005 से चल रहा हूँ मैं, आज तक कोई पैरा नियुक्ति नहीं फाउंड की गई है, जबकि वो खिलाड़ी के बस की बात तो है नहीं, वो शासन प्रशासन और मंत्री को ही करनी है। तो सर इसी इन्हीं सब के खिलाफ ये सब मुझे बहुत दुख हो रहा है कहते हुए कि मुझे सब ये मेडल रख के यहाँ धरना करना पड़ रहा है। अभी फिर क्या इरादा है आपका, अभी कब तक ये रहेगा, ऐसे चलेगा और क्या आप मांग करते हैं? सर अपने लिए भी और इन सब बच्चों के लिए भी जो पैरा खिलाड़ी के नए खेल रहे हैं जो मुझे लुक आफ्टर करते हैं, तो उनके मनोबल के लिए भी ये बहुत जरूरी हो गया था मेरा धरना करना। और मैं भूख हड़ताल पे हूँ, अंत्याग पे हूँ, सेम लिक्विड डाइट पे हूँ, और सर मैं जब तक यहाँ बैठूँगा जब तक हमारी पैरा की सब नीति नहीं मानी जाती है, हमारी जो मांग है वो नहीं मानी जाती है, जब तक मुझे नियुक्ति नहीं दे देते हैं ये। हिंडौन उपखंड के ग्राम पंचायत कचरौली में राजकीय विद्यालय के सामने लगभग 1 किलोमीटर क्षेत्र में अवरुद्ध पानी व कीचड़ भर गया, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।